समझा नहीं पा रहा, दिक्कत ना, धूप से लगाएंगे और जो पीछे भैया चल रहे हैं और वाटरफॉल था वो एक नंबर, पीछे खड़ी है गाड़ी है तो वो भी फिलहाल भाई यहाँ से निकलते हैं। बस ये ऋतिक के नाम होती गाड़ी तो भाई। तो गाइस घूम लिए ताशी व्यू पॉइंट भी, अब जा रहे हैं आगे की तरफ, कोई 4-5 किलोमीटर आगे ना कोई मंदिर बताया है वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे चलते हैं देखते हैं। 5 से 6 किलोमीटर का है डिस्टेंस, वो कवर करना है और आगे अब सीधा मंदिर पे मिलते हैं। मैं ज़्यादा यार रोड नहीं दिखा रहा ना कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहा, बस जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो जी अब निकलते हैं। तो गाइस निकल चुके हैं अभी मंदिर के लिए, आगे है कोई मंदिर अब वहाँ चलते हैं, ठीक है। वाटरफॉल, हाँ वाटरफॉल भी है, हाँ पहला आएगा वाटरफॉल फिर उसके बाद मंदिर आएगा, हनुमान टॉक, हनुमान टॉक पता नहीं अभी वहीं पढ़ के बताएंगे क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता, तो अभी वहीं चलते हैं ना। तो गाइज आ चुके हैं भाई गणेश टॉक, और गणेश टॉक पे भाई आपको अब यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट में अपना पूरा दिखा दूंगा कि गणेश टॉक का व्यू कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। बाकी फिर इसके आगे भी जाना है कहीं और, हनुमान टॉक है वहाँ पे भी जाएंगे, तो अभी फिलहाल ये दिखाते हैं, ठीक है। हाँ सब्सक्राइब कर लो मेरे में, दिखा दूंगा और है ना, बाकी इसके में तो दिखते ही रहेंगे सारी चीज़ें। बाकी भाई अभी गणेश टॉक दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं है यहाँ का, बाकी उसके बाद जो होगा वो हनुमान टॉक है वो दिखाता हूँ, है ना। तो गाइस दिखा दिया आप लोगों को गणेश टॉक, और भाई सिनेमैटिक शॉट में दिखा दिया ना मैंने कुछ इतना कुछ वैसे बताया ना कुछ, अभी भाई बस चलते हैं अपना आगे की तरफ को, ठीक है अब आगे मिलते हैं, चलो जी। तो गाइस बैठ चुके हैं गाड़ी में और अभी जा रहे हैं भाई हनुमान टॉक, अब सीधा वहाँ पे मिलते हैं, है ना। तो गाइस आ चुके हैं हनुमान टॉक और पीछे खड़ी गाड़ी है खड़ी, और अभी चलते हैं हनुमान टॉक के दर्शन कराते हैं, है ना, वही सिनेमैटिक में ही पूरा। तो गाइज यहाँ पे आए थे अभी हनुमान टॉक पे, और जो पीछे भैया चल रहे हैं इनका भैया का कैमरा था निकोन का D5600, उसमें वो ब्लैक स्पॉट आ गया, भैया डर गए कि ये हो गया हो गया। मैंने कहा बता दिया, मैंने कहा ऐसी कोई दिक्कत ना, क्योंकि मेरे पास भी कैमरे थे भाई, तो सांस चढ़ गया, कोई दिक्कत ना, धूप से लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। बाकी अभी हनुमान टॉक घूमते हैं और भाई दिखाते हैं सारा हनुमान टॉक की ब्यूटी कैसी है कैसी नहीं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है भाई यहाँ पे, मानना पड़ेगा, सांस चढ़ रहा, अभी व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, है ना।
तो भाई चढ़ चुका सांस मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा। और भाई फोग देख लो मेरे पीछे कितना ज़्यादा फोग हो रहा है, बाल बाल सारे बेकार हो गए क्योंकि अभी हल्की हल्की बारिश भी आई थी तो फ़ोन वगैरह मैंने रख दिया था और बाल भीग गए, फिर मैंने ऐसे ऐसे करके सुखाए। बट यार मैंने आप लोगों को भाई सिनेमेटिक शॉट में पूरा हनुमान टॉक दिखा दिया, पूरा गणेश टॉक दिखा दिया और झरना वो जो वाटरफॉल था वो दिखा दिया। भाई मैं ज़्यादातर सिनेमेटिक शॉट में ही दिखा पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई मैं ज़्यादा बोल बोल के ऐसे समझा नहीं पा रहा, क्योंकि यार मेरे को खुद नहीं पता, मेरे को खुद नॉलेज नहीं है, या तो मेरे को पहले पढ़ के आना चाहिए था यहाँ पे कि क्या है क्या सीन नहीं है। और दूसरी बात, हमारा जो जो प्लान था कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वो सारे कैंसिल हो चुके, क्यों? क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद कर रखे हैं, कुछ और कर रखा है, कभी कुछ कर रखा है, बोल रहे हैं पास चाहिए ये चाहिए। और ऋतिक की जो गाड़ी है वो है इसके पापा के नाम पे, तो बोल रहे हैं कि यार पापा के नाम पे है तो पापा ही जा सकते हैं और वो ड्राइव करेंगे तो ही तुम अलाउड करोगे, ऐसे ऐसे सीन बता रहे हैं। पता नहीं क्या सीन है, ऋतिक के नाम होती गाड़ी तो भाई बहुत सी चीज़ें हो जाती है आज कवर। बट कोई बात नहीं, अभी जो भी होगा सोर्स वोर्स लगाएंगे, जो भी होगा जैसे भी बात होगी वो करेंगे। तो अभी फिलहाल भाई यहाँ से निकलते हैं, बस यही कुछ बताना था। और भाई फोग देख लो भाई, पूरा पीछे फोग, और ये है भाई हनुमान टोक का मंदिर, ठीक है? और हनुमान टोक का मंदिर भाई एक नंबर, गणेश टोक नंबर, मतलब कि गणेश टोक वाला मंदिर वो एक नंबर, हनुमान टोक एक नंबर, और वाटरफॉल था वो एक नंबर। भाई बस मेरे को मोनेस्ट्री अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मोनेस्ट्री में भाई ये था कि भाई तुम हाथ नहीं लगा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भाई देखो मैं कोई ऐसा हेट नहीं दे रहा है ना, मेरे को भाई अच्छा नहीं लग रहा, देखो ऐसे साफ सीधी बात कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ इन सब के बारे में, बट भाई जो बात जेन्युइन है वो बात जेन्युइन है, मैं आप लोगों के साथ जेन्युइन रख रहा हूँ। अच्छी बात अच्छी बताऊंगा, बुरी है तो बुरी बताऊंगा, ठीक है? बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से और अपना पहुँचते हैं आगे की तरफ को भाई, ठीक है? चलते हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है भाई 6:30 और आ चुके हैं भाई होटल में और ले लिया हमने रूम। और भाई ये है कुछ इस तरीके का रूम, बाकी ये भाई टेबल वेबल देख लो, और ये इधर बेड है और बालकनी भी है अच्छी, वो सुबह दिखाऊंगा भाई व्यू कैसा है कैसा नहीं। और भाई इस ब्लॉग को यार यहीं पे करते हैं एंड, और इधर वॉशरूम वगैरह है, तो हाँ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। लोग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। और यार मैंने ना आपको जो भी चीज़ दी, मतलब कि जो हनुमान टॉक गए थे और वो कौन सा गणेश टॉक गए थे भाई, वहाँ पे मैंने आप लोगों को जो जितना भी था मेरे से पॉसिबल मैंने खुद नहीं बताया, बट मैंने सिनेमेटिक शॉट जो लिए थे जैसे तैसे भी लिए गए थे, क्योंकि भाई मेरी ये वाली जो उंगलियाँ ना ये वाली की पक गई, तो इससे मैं फ़ोन भी नहीं पकड़ पा रहा ज़्यादा और ये थोड़े से इशूज़ हो रहे हैं। बट कोई बात नहीं, अभी ब्लॉग तो करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। चैनल बने हो ना सब्सक्राइब करके चले जाओ प्लीज़, बाय। गाइस ये आ चुका हमारा खाना और अभी बज रहे हैं रात के 10 बजे आया है अब। बाकी इस होटल में, पूरे होटल में हम ही रुके हुए हैं, ये बंदा और वो, हमारा काम चल रहा है उधर अभी ट्रांसफ़र का, एडिटिंग ख़त्म करके पहले अब जो बाकी का डाटा बचा हुआ है आजकल का वो ट्रांसफ़र हो रहा है। बाकी खाना खाते हैं और मिलेंगे अब आपको कल सुबह। व्लॉग तो एंड पहले ही कर दिया था, लेकिन अब ये खाना खा लो आप भी, देख लो फ्राइड राइस है दोनों, ये पीले इसमें लग रहे हैं, ये वैसे है ब्राउनी, और ये सलाद वगैरह और ये चार वगैरह।